आपको एक पैटर्न दिया गया है ठीक है इसमें आपने फाइंड करना है कि इसमें क्या रूल इसमें अप्लाई हो रहा है और इसके तहत रूल के तहत नेक्स्ट टू नंबर जो हैं आपने है आपने फाइंड करने हैं ए में हमें दिया गया है फोर सिक्स एट टेन ठीक है तो अब आप देखें बच्चों के ये फोर और सिक्स है ठीक है आप फर्स्ट टू टर्म्स को आपने कंसिडर करना है आप देख सकते हैं कि फोर में आप कितने एड करेंगे सिक्स आ जाए फोर में टू ऐड करेंगे ना सिक्स आएगा ठीक है फिर सिक्स में टू ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा एट एट में टू ऐड करेंगे तो टेन आ जाएगा ठीक है टेन में टू ऐड करेंगे ट्वेल्व आ जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ट्वेल्व और फिर ट्वेल्व में टू ऐड करेंगे तो फोर्टीन आ जाएगा तो अब यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है यानी यहाँ पे हमने टू को ऐड किया है तो यहाँ रूल में हम लिख देंगे एड टू ठीक है बी पार्ट में आप देखें बी पार्ट में आपको कहा गया है सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन यहाँ पे अब आप देखें सिक्स के बाद है नाइन ठीक है सिक्स के बाद नाइन जो है नाइन कैसे बना है सिक्स में आपने थ्री को जब ऐड करना है तो नाइन बनेगा नाइन में थ्री को ऐड करेंगे तो ट्वेल्व बनेगा ट्वेल्व में से थ्री को ऐड करेंगे तो फिफ्टीन फिफ्टीन में थ्री को ऐड करेंगे तो एटीन बनेगा और एटीन में थ्री को ऐड करेंगे तो ट्वेंटी वन बनेगा तो यहाँ पे अब रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे आपने थ्री ऐड किया है तो ऐड थ्री रूल में क्या लिखेंगे ऐड थ्री क्योंकि यहाँ पे अब आप थ्री ऐड कर रहे हैं बी पार्ट हो गया है अब नेक्स्ट हम इसी तरह बाकी पार्ट्स भी कर लेते हैं सी पार्ट में हमें गिवन है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फिफ्टीन टेन अब जब देखें बच्चों एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि अगर हमारे टर्म्स यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हैं ठीक है यानी क्वांटिटी कम है फिर ज़्यादा है फिर ज़्यादा है फिर ज़्यादा है, है तो इट्स मीन कि हमने वहाँ पे एडिशन करनी होती है अगर क्वांटिटीज डिक्रीज हो रही हैं मतलब टू है टू के बाद वन आ गया वन के बाद जीरो आ रहा है यानी कम होती जा रही हैं ठीक है तो इसका मतलब उसमें हमने सब्टन करनी होती है ठीक है अब हम इसका सी पार्ट देख लेते हैं सी पार्ट में आप गौर करें ट्वेंटी फाइव है उसके बाद आ रहा है ट्वेंटी यानी ट्वेंटी फाइव के बाद ट्वेंटी कैसे बना है ट्वेंटी फाइव में से जब फाइव को माइनस करते हैं ना तो फिर ट्वेंटी आ जाता है ट्वेंटी के बाद अब फिफ्टीन दिखा आ रहे हैं तो फिफ्टीन भी कैसे बनेगा जब ट्वेंटी में से हम फाइव को माइनस करेंगे तो फिर फिफ्टीन आ जाएगा फिफ्टीन में से फिर फाइव को माइनस करेंगे टेन आ जाएगा फिर टेन में से फिर फाइव को माइनस करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा अब फाइव में से फिर फाइव को माइनस करेंगे तो क्या आएगा जीरो आ जाएगा अब यहां पे आप देख चुके हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है सब्ट्रैक्ट फाइव किया है ठीक है तो अब रूल यहां पे क्या अप्लाई होगा तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट फाइव ठीक है यहाँ पे हमने फाइव को माइनस किया है ठीक है आप आसानी के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट टू टर्म्स है ना ठीक है अब ये ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी है तो इनको आप माइनस करेंगे ना तो आप देखें फाइव का गैप आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट डी में भी देखें अलेवन ट्वेंटी टू थर्टी थ्री फोर्टी फोर अब आप इसमें देखें कि यानी ये कम थी फिर ये ज्यादा हुई है ठीक है फिर वो ज्यादा उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा यानी टर्म जो है हमारी छोटी से बड़ी होती जा रही है इट्स मीन कि इसमें हमने ऐड करना है ये तो अब आप आपको पता चल गया है ठीक है अब ऐड कितना करना है ये जो अलेवन है ना ठीक है आप सोच रहे होंगे कि ये ये ट्वेंटी टू है तो अलेवन में कितना ऐड करें ट्वेंटी टू तो आप खुद से कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं कि अलेवन है आप काउंटिंग शुरू करें और देखें कि ट्वेंटी टू कहाँ तक आता है देखें अलेवन है फिर ट्वेल्व थर्टीन ठीक है 14 फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू ठीक है यानी ट्वेंटी टू हमारा कब आता है यानी इसमें आप डिफरेंस भी कर सकते हैं डिफरेंस में आपको आसानी हो जाएगी फर्स्ट <coughs> वाली जो टर्म है उसे नीचे रखें सेकेंड वाले के ऊपर टू में से वन माइनस किया वन टू में से वन माइनस किया वन यानी इन दोनों के दरमियान कितने का गैप है अलेवन का गैप है ठीक है अब वो अलेवन आपने प्लस करना है या माइनस करना है वो आप क्वेश्चन को देख के कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं अगर नंबर कम से ज़्यादा हो रहे हैं तो हमने अलेवन को ऐड करना होता है और अगर जो है यहाँ पर नंबर ज़्यादा के बजाय क्या होते हैं कम होते जाते हैं ठीक है तो फिर हमने सब्ट अलेवन करना होता है यहाँ पे अभी यहाँ पे नंबर कम से ज्यादा हो रहे हैं यानी छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐड अलेवन करेंगे अलेवन ए ट्वेंटी टू थर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फोर में फिर हम ऐड करेंगे अलेवन को तो फिफ्टी फाइव बनेगा फिफ्टी फाइव में फिर से अलेवन को ऐड करेंगे तो सिक्सटी सिक्स बनेगा यानी कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है एड अलेवन अलेवन आपने ऐड किया है ठीक है ई में देखें टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि छोटी से बड़ी टर्म बनती जा रही है इट्स मीन की इसमें भी आपने क्या करना है ऐड करना है अब टेन और ट्वेंटी में कितने का गैप है टेन का गैप है ठीक है यानी टेन टेन इनमें बढ़ता जा रहा है फोर्टी के बाद जारी बात है फिर क्या आ जाएगा फिफ्टी आ जाएगा टेन टेन बढ़ता जा रहा है फिफ्टी के बाद क्या आ जाएगा सिक्सटी आ जाएगा तो इसमें फिर रूल कौन सा अप्लाई होगा एड 10, यहाँ पे 10 हमने ऐड किया है है missing number है ठीक क्वेश्चन नंबर नंबर में फाइंड फाइंड द द रूल रूल एंड राइट मिसिंग आपने को करना और मिसिंग नंबर लिखने हैं ठीक है अब ये भी इसी तरह के क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर वन किया है यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया सिक्सटीन ट्वेंटी वन तो अब आप देख सकते हैं यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब हमने ऐड करना है ये चीज तो आपको कन्फर्म होगी ऐड करना है इसमें कितना ऐड करना है वो कैसे आप हाँ फाइंड करेंगे आपने क्या करना है ये देखेंटीन है ना ट्वेंटी के बाद सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है तो यूं भी उसमें कर सकते हैं या फिर आप यूँ कर सकते हैं फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस ले लें तो ट्वेंटी वन लिख के ना सिक्सटीन लिख के तो ये माइनस करेंगे तो फाइव आ जाएगा ये माइनस करके फाइव आ रहा है अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे आपने हर टर्म के अंदर फाइव फाइव ऐड करने हैं क्योंकि हमारी टर्म्स क्या होती जा रही हैं समॉलेट से ग्रेटेस्ट की तरफ जा रही हैं अब ये 16 में 5 को ऐड करेंगे 21, 21 में 5 को ऐड करेंगे 26, 26 में 5 ऐड करेंगे तो फिर 31 आ जाएगा फिर 31 में 5 ऐड किया तो 36 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अब 36 में 5 ऐड करेंगे तो 41 बनेगा ठीक है उसके बाद हम यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड किया है फाइव को तो हम यहाँ पे लिख देंगे एड फाइव बी पार्ट में देखें बी पार्ट में आपको कहा गया है फोर एट डैश सिक्सटीन ट्वेंटी फिर डैश दी गई है और ट्वेंटी एट अब इसमें देखें यहाँ पे भी हमें क्या करना है ऐड करना है क्योंकि देखें फोर है एट है यानी छोटी से बड़ी टर्म बनती जा रही है जब छोटी से बड़ी टर्म बनती है ठीक है या आ, हम उसको ये कह सकते हैं समालस से हम ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ जा रहे होते हैं तो उसमें हमने ऐड करना होता है ऐड वाली चीज़ आपको पता चल गई है कि इसमें ऐड करना है कितना ऐड करना है वो आप कैसे फाइंड करेंगे ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनका माइनस करके डिफरेंस देख लेंगे कितने का आ रहा है तो फोर का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने फोर फोर सब में ऐड करते जाना है तो एट में फोर ऐड करेंगे तो ट्वेल्व बन जाएगा यहाँ ट्वेल्व लिखेंगे ट्वेल्व में फोर ऐड किया तो फिर सिक्सटीन गया सिक्सटीन में फोर ऐड किया ट्वेंटी ट्वेंटी में फिर फोर ऐड करेंगे तो ट्वेंटी फोर बनेगा फिर ट्वेंटी फोर में फोर ऐड किया तो ट्वेंटी एट जो कि उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो रूल यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है एड फोर ठीक है ये प्रीवियस बुक है जिस बच्चे ने फिल किया हुआ है तो मैंने रेज किया है उसके ऊपर फिर मैं लिख रही हूँ ठीक है सी पार्ट में देखें यहाँ पे अब आप गौर करेंगे कि फिफ्टी है फोर्टी फाइव है मतलब इसमें कम हो रही हैं नंबर्स ठीक है यानी हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो अब जब इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है अब सब्ट्रैक्ट कितना करना है वो आप दो टर्म्स जो आपको गिवन होती है ना उन दो टर्म्स का आप डिफरेंस फाइंड कर लें तो वो आपको पता चल जाता है कि आपने इतने नंबर को क्वेश्चन में सब्ट करना होता है या ऐड करना होता है यहाँ पे 50 और 45 है तो ये मैंने 50 और 45 फाइव यहाँ पर लिखा है मैं माइनस करती हूँ तो फाइव इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर फाइव फाइव का क्या करते जाना है सब्ट्रैक्ट करते जाना है फिफ्टी में से फोर्टी माइनस करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा ठीक है फिफ्टी में से फोर्टी यानी फिफ्टी में से फाइव माइनस किया फोर्टी फ़ाइव आ गया है फोर्टी फाइव में से फिर से फाइव माइनस करेंगे तो फोर्टी आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे जो फिफ्टी आया हुआ है ना तो ये कैसे आया हुआ है ये खाली जगह आपने ख़ुद फिल करनी है कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें से फाइव आप माइनस करें कि फिफ्टी आ जाए तो फिफ्टी फाइव है ना फिफ्टी फाइव ऐसा नंबर है जिसमें से फाइव माइनस करेंगे तो फिर फिफ्टी आ जाएगा ठीक है यानी इन दोनों में फाइव फाइव का गैप है और आगे भी फाइव फाइव का गैप चल रहा है फिफ्टी में से फाइव माइनस करेंगे तो फोर्टी फाइव आ जाएगा फोर्टी फाइव में से फाइव माइनस करेंगे तो फोर्टी आ जाएगा फोर्टी में से फाइव माइनस करेंगे थर्टी फाइव थर्टी फाइव में से फाइव माइनस करेंगे तो थर्टी आ जाएगा तो रूल अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लिख देंगे सब्ट्रेक्ट फाइव क्योंकि हमने यहाँ पे फाइव को सब्ट्रेक्ट किया है डी पार्ट में आपको कहा गया ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फोर यहाँ पे भी अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है यानी नंबर हमारे कम होते जा रहे हैं देखिए ट्वेंटी सेवन है फिर ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी फोर यानी इनका गैप देख लें कितने का आ रहा है थ्री का गैप आ रहा है यानी हमने क्या करना है तीन तीन नंबर कम करते चले जाने हैं ठीक है यहाँ देखिए ट्वेंटी सेवन है उसमें से तीन माइनस करेंगे तो ट्वेंटी फोर आ जाएगा ट्वेंटी फोर में से थ्री माइनस करेंगे तो फिर ट्वेंटी वन आ जाएगा ट्वेंटी वन में से थ्री माइनस करेंगे तो एटीन एटीन में से थ्री माइनस किया फिफ्टीन फिफ्टीन में से थ्री माइनस करेंगे तो ट्वेल्व आ जाएगा ट्वेल्व में से थ्री माइनस करेंगे तो नाइन आ जाएगा तो रूल अब यहाँ पे क्या है कि हमने इसमें क्या किया है सब्ट्रैक्ट किया है थ्री को तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट थ्री उसके बाद ई पार्ट ई पार्ट में आपको गिवन है नाइन खाली जगह दी गई ट्वेंटी सेवन है फिर थर्टी सिक्स है फिर फोर्टी फाइव है खाली जगह फिर सिक्सटी थ्री एक चीज तो आप यह देख लें कि ये छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं मतलब हमने इसमें ऐड करना है ठीक है ऐड कितना करना है वो अब आप कैसे फाइंड करेंगे आपने क्या करना है दो टर्म्स को माइनस कर लेना है ठीक है ये वाली ये वाली जो टर्म दी गई है ना तो इसको माइनस करेंगे ट्वेंटी सेवन में से नाइन को माइनस करेंगे सेवन में से नाइन माइनस नहीं होता तो इधर से बारो लेंगे सेवनटीन सेवनटीन में से नाइन माइनस किया एट यहाँ पे पीछे वन गया वन यहाँ पे आ जाएगा तो यानी सेवनटीन ट्वेंटी सेवन में से जब नाइन माइनस करेंगे तो एटीन आ जाएगा तो यहाँ पे आप एटीन लिख देंगे ठीक है यानी अब आप, आपको पता चल गया कि यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है ठीक है यानी अब देखें नाइन का गैप बनेगा यहाँ पे ठीक है यानी यहाँ अब नाइन के बाद नाइन में नाइन ऐड करेंगे तो एटीन आएगा फिर एटीन में नाइन ऐड करेंगे ट्वेंटी सेवन आएगा ट्वेंटी सेवन में आप नाइन ऐड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में नाइन ऐड करेंगे फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव में नाइन ऐड करेंगे तो फिफ्टी सिक्स आ जाएगा और फिर फिफ्टी सिक्स में नाइन ऐड करेंगे तो सिक्सटी थ्री आ जाएगा तो अब रूल हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है ठीक है हमने क्या किया कि ऐड किया है नाइन को ये नाइन नाइन में नाइन ऐड किया एटीन एटीन में नाइन ऐड किया ट्वेंटी सेवन इसी तरह ये सीक्वेंस चलता गया है तो रूल हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐड नाइन क्योंकि हमने यहाँ पे नाइन ऐड किया है तो एक्सरसाइज वन डी बच्चों कम्प्लीट हो चुकी है अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वनडी सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़